ये गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी के साथ दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए बहुत आशाओं के साथ, बिना किसी स्वार्थ के, राजनीतिक स्वार्थ के किया गया था, जिसमें कोई भी बार्गेनिंग किसी भी तरह की नहीं हुई थी, जिसको लेकर के निचला कुछ नेताओं का बहुत दर्द था, क्योंकि इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं अपने हाथ रंगना चाहते थे, जिसकी वजह से इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। आज निष्पक्षता से मैं बहन जी से बिना बात किए मैं इसके बारे में, ये उनके द्वारा गठबंधन के बारे में जो निर्णय लिया गया है, ये उनका निर्णय है बहन जी का, या निचले नेतृत्व का निर्णय है, ये तो वो बताएंगे कि आखिर वो इस कमजोर तबके को किसके नीचे लगाना चाहते हैं और इसको कहां लगा करके अपने हाथ रंगना चाहते हैं, जिनके उत्थान के लिए वो हमेशा दलितों और पिछड़ों के लिए आहें भरते रहे। वो पहले भी कई बार उन लोगों के नीचे उनको लगा करके उनका शोषण करवा चुके हैं, आज फिर अपने हित साधने के लिए ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है, जिसकी कई दिन से मेरे पास नित रोज खबरें चल रही थी। लेकिन मैंने ये बात कही कि मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं वास्तविक तौर पर बंसीलाल के की सरकार में मंत्री था, वहां भेदभाव मैंने दलितों पिछड़ों के साथ देखा, कुर्सी छोड़ दी। फिर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनवाई, वहां भी दलितों पिछड़ों का जो भेदभाव था और बेजुबान जो कठोर वाणी की वजह से हमने उसका विरोध किया, तो जिसमें वहां भी कुर्सी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी। और आज भी जब पूरे देश के तांडव के सामने इतनी बड़ी सरकार झुक गई, और वहां पर भी मैंने इस बात का विरोध इसलिए किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कमजोर तबके के हितों को सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन सरकार उसे सुरक्षित करने की बजाय उसे बांटना चाहती है उन लोगों के साथ जिनके हाथ में डंडा है। इस विरोध में सरकार ने विधानसभा में जाकर के उनको आरक्षण देने का जो काम किया था, उसके विरोध में हमने हाई कोर्ट में जाकर के शरण ली थी, और उसके बाद जींद के चुनाव में हम अकेले थे, जिसमें हमने लगभग बहुत मजबूत स्थिति के साथ वोट लिए थे, लेकिन अपर कास्ट हमारे से इस गठबंधन से इस वजह से जुदा हुई कि आपने बीएसपी के साथ समझौता किया, वो भी हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन वास्तविक तौर पर जो दलित समाज है और जो पिछड़ा समाज है उनकी हिस्सेदारी 75% लोगों की हिस्सेदारी अभी तक सिर्फ 25% है, और 25% हिस्सेदारी भी क्लास 3 और क्लास 4 की है, अफसरशाही बैकवर्ड क्लास के पास सिर्फ 6% है। इस त्रिस्कार को देखते हुए हम इस गठबंधन के साथ खड़े हैं, हमारी ओर से किसी तरह का भी कोई इसमें कटुता नहीं है, फिर भी जिन लोगों का स्वार्थ यहां पूरा नहीं हो रहा उनको हम जबरदस्ती बांध नहीं सकते और ना उनके स्वार्थ पूरे कर सकते हैं। यदि वो अपने स्वार्थ कहीं और जाकर के अपने समाज को बेच करके पूरा करना चाहते हैं, इसमें मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप वास्तविक तौर पर इनका हित चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दलित और पिछड़ा इकट्ठा होकर के अपनी लड़ाई खुद लड़े, तो बताइए, आप वो ही बताएंगे कि फिर आप इसको ले जाकर के किन के आगे सरेंडर करना चाहेंगे और अगली आपकी क्या रणनीति है। हम तो इस गठबंधन के साथ लोगों को इंसाफ दिलाने का उम्मीद लगा करके लोगों के बीच जाएंगे, भले वो हमारे साथ खड़े हों नहीं हों,